हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें प्लीज़। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट डिफरेंसेस में अदर डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में। तो इसमें जो अपन पहला पढ़ने वाले हैं दैट इज शिफ्टिंग ऑपरेटर, जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। यस, शिफ्टिंग ऑपरेटर को हम लोग कैपिटल ई से अपन इसको डिनोट करते हैं। ओके तो ठीक है, यहाँ पे उसको डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज द ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग द आर्ग्यूमेंट एक्स बाई एच। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को अपन इंक्रीमेंट करेंगे बाई एच से। ठीक है, ऑपरेशन है ये अपना एक। ओके तो यहाँ पे मान लो आपको अगर कोई फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, और अगर आपको कहीं लिखा है ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स में एच का इंक्रीमेंट हो चुका है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ओके वही अगर आपको लिखा कहीं ई स्क्वायर, ओके ई स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या है, ट्वाइस इंक्रीमेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। ओके वैसे मान लो कहीं लिखा है ई क्यूब एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड तीन इंक्रीमेंट है इसमें। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच एंड सो ऑन। ओके तो इस टाइप का जो अपन लोग समझेंगे अगर आपको यहाँ पे शिफ्टिंग ऑपरेटर दिया होगा तो। तो यहाँ पे देख लो एक द इनवर्स ऑपरेटर, ठीक है, क्या बताओ, e की पावर माइनस वन अगर दिया जाएगा, ठीक है, इज डिफाइंड डिफाइंड एज, मान लो आपको दिया e की पावर माइनस वन टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पावर वन था, तो यहाँ पे अपन एक्स एच से अपन इसको ऐड किए। अगर यहाँ देखो क्या लिखा है, माइनस वन लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, एच से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके देखो ये अपना हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इसी टाइप से जो अपन इसको समझेंगे। ओके अब यहाँ पे मान लो अगर आपको दिया है ई ऑफ वाई एक्स, तो ये अपना क्या हो जाएगा, वाई एक्स प्लस एच। ओके वैसे मान लो आपको दिया हुआ है ई की पावर माइनस वन ऑफ वाई एक्स, तो ये अपना क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, इसी टाइप से जो अपना शिफ्टिंग ऑपरेटर को अपन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और ऑपरेटर होता है दैट इज एवरेजिंग ऑपरेटर, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। यस, इसको हम क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, एवरेज को शो करता है। तो म्यू ऑफ वाई ऑफ एक्स दैट इज एवरेजिंग ऑपरेटर ऑफ वाई ऑफ एक्स। ओके तो ये देखो अपने क्या हो जाएगा, हाफ हाफ, क्यों, क्योंकि ये एवरेज निकाल रहा है, वाई एक्स प्लस हाफ एच, ओके प्लस वाई एक्स माइनस हाफ एच, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इतना ही आपने को समझना है फिलहाल अभी एवरेजिंग ऑपरेटर में, और ये जो था ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर का। तो वीडियो को पसंद है तो इसको प्लीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।